told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. तो मित्रों, कई दिनों बाद मैं सोच रहा था कि चलूँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो रात का नज़ारा है एक बार उसको बनाऊँ और दिखाऊँ आपको। तो आज आया हूँ, आज है 19 जून। तो 19 जून को आपको पूरा एकदम अंदर का लाइट का दृश्य दिखाऊँगा। वीडियो अगर मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। लाइक कीजिएगा मित्रों, और लाइक इसलिए कीजिएगा कि मुझे भी समझ में आना चाहिए कि आपको मेरी वीडियोज पसंद आई है। अभी देखिए गेट नंबर 1 है जो कि आपका बाहर से आप अंदर की तरफ जाएंगे तो 7 बजने वाला है। और ये देखिए गेट बंद होने वाला है। एक बार थोड़ा सा जूम करके आपको नज़ारा दिखाता हूँ अंदर का। ये आप देख सकते हैं, बड़ा ही सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। देखिए ये अमृत भवन है और यहाँ से जस्ट बगल में ही लिफ्ट बनाया गया है 2nd फ्लोर पे जाने के लिए। ये नज़ारा बड़ा अच्छा है और ऊपर साइड में यहाँ से आप जा सकते हैं। लिखा हुआ है इन केस फायर डू नॉट यूज लिफ्ट, यूज दिस स्टेयर्स, मतलब ये इधर से जाने का। और इधर देख सकते हैं आप कुछ अंदर जाने का रास्ता यहाँ पे। यहाँ आपका दुकानें बनी हुई हैं, सारी की सारी दुकानें अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं, बट आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना खूबसूरत ये नज़ारा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा एकदम जगमगाता हुआ, चमचमाता हुआ एकदम दृश्य है ये। तो आज मैंने सोचा कि आज रात में भी चलता हूँ, रात को भी शूट करता हूँ एक वीडियो। और अभी तक मैं आया नहीं था, कारण ये था कि बस शाम को खाली नहीं रहता हूँ जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। सोचिए जब दुकानें ये खुल जाएंगी, ये सारी की सारी दुकानें जो बनी हुई हैं, ये दुकानें जब खुल जाएंगी उसके बाद क्या नज़ारा होगा। और ये देखिए पूरा लाकर यहाँ पे है, ये पूरा का पूरा लाकर्स है। और यहाँ लाकर जो है आगे से इसमें सामान जमा किया जा रहा है। और देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना आराम भी कर रहे हैं। तो ये नज़ारा बहुत मस्त है और बहुत खूबसूरत है। और इस जैसा ये पूरा दुकान वाला पोर्शन यहाँ बना हुआ है, इसके जस्ट ऊपर साइड में भी आपका दुकान वाला पोर्शन बना हुआ है। तो वहाँ भी चलेंगे, एक नज़ारा वहाँ का भी दिखाते हैं आपको। देखिए मैं अभी ऊपर खड़ा हूँ तो ऊपर साइड में देख सकते हैं आप, यहाँ भी जिस प्रकार से नीचे दुकानें हैं उसी प्रकार से ऊपर भी दुकानें हैं। और यहाँ देखिए किनारे किनारे बैठने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि अगर आप कुछ दुकान से खरीदें तो खरीदने के बाद यहाँ पे आराम से बैठ करके खा सकें। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जगह जगह कैमरा भी लगा हुआ है, तो हर जगह कैमरा है, जहाँ भी आप रहेंगे कैमरा के अंदर रहेंगे। और कोई भी कुछ भी गलत काम करते हैं तो आप आएंगे कैमरा के अंदर और समझिए आपका क्या हालात होगा। और क्या नज़ारा खूबसूरत है ये देखिए, बीच बीच में ये वाइट वाली लाइट भी एकदम खूबसूरत लग रही है। और उधर देखिए जो माता अहिल्या बाई, ये तो होलकर हैं और ये भारत माता हैं। तो भारत माता के पीछे जो मंदिर है महादेव जी की, वो देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। एक बार जूम करके दिखाता हूँ आपको, क्या खूबसूरत नज़ारा है ये पूरा आप देख पा रहे होंगे। आइए चलते हैं हम नीचे की तरफ और नीचे का जो दृश्य है, जो नज़ारा है, वो वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं ये खुल गया है। अब मैं ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूँ, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ मैं अब देखें 0 बटन यहाँ दिया हुआ है, इस 0 बटन पर क्लिक करूँगा तो ये अब बंद हो गया। अब मैं जाऊँगा नीचे और यहाँ देखिए AC ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको दिखलाई भी दे रहा होगा, ये मेरा बाल हिल रहा है। अब मैं आ गया हूँ नीचे तो ये अब ऊपर होगा, यहाँ से बटन दाब दूंगा
ये नीचे आ गया मैं। और ये देखिए घिस्टड़ेश्वर भवन है, और घिस्टड़ेश्वर भवन के जस्ट अगल बगल का जो नज़ारा है, और यहाँ देख सकते हैं अभी मैं खड़ा हूँ एकदम गर्भगृह में। अंदर जाने का जो रास्ता है अब वो बंद हो चुका है, ये गेट नंबर 1 है, और यहीं से अंदर लोग जाते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। तो अब 7:00 हो रहे होंगे, तो आप अभी नीचे का जो नज़ारा है वो देख सकते हैं क्या खूबसूरत लग रहा है। तो आइए थोड़ा इधर चलते हैं, और इधर साइड में जो लाइट्स लगाई गई हैं क्या खूबसूरती है वो सब दिखाने का प्रयास करते हैं। अब जो किनारे किनारे नीचे साइड में जो लाइट्स लगाई गई हैं और कितना अच्छा लग रहा है वो वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं हम। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ देखिए किनारे किनारे जो लाइट्स लगाई गई हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है और बड़ा ही सुंदर है। यहाँ देखिए पानी पीने के लिए व्यवस्था है, डस्टबिन है। अभी मैंने घाटों में देखा कि कुछ लोग जो है कि पान खा कर गुटखा खा कर जहाँ मन तहाँ फेंक दे रहे हैं। बड़ा ही बेकार लगता है यार कि भाई इतना भव्य और इतना सुंदर कॉरिडोर बनाया गया है और लोग जो है कि कुकृत्य कार्य करते हैं। देखिए यहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे। अब आइए चलते हैं थोड़ा अहिल्या बाई होलकर जी की जो मूर्ति है एक बार वहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से, और उनके अगल बगल में जो मंदिर है उसको भी हम दिखाते हैं। ये देखिए अहिल्या माता के अगल बगल कुछ जो लाइट्स लगाई गई हैं किनारे किनारे नीचे साइड में, यहाँ दो साइड इधर आगे साइड में माता के चरणों के साइड में लगाया गया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए यहाँ जस्ट में एक भवन है, इसका नाम रामेश्वर भवन है। तो रामेश्वर भवन के अगल बगल आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी लाइट्स लगाई गई हैं, और ऊपर भी देख सकते हैं क्या सुंदर नज़ारा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और ये जो सामने दुकान है यहाँ पूरा लाइन से उसके अंदर गया था, और उधर का भी वीडियो आपको दिखाया ही था मैंने, वहाँ लॉकर्स है तो लॉकर्स का यूज कर सकते हैं आप सामान को रखने के लिए। और यहाँ से सामने का दृश्य देखिए, अहिल्या भाई होलकर जो हमारी माँ हैं उनके ठीक सामने आप अंदर गर्भगृह में जा सकते हैं। अब थोड़ा सा अहिल्या भाई होलकर माता के जस्ट पीछे साइड में जो लाइट्स हैं उनको दिखाते हैं हम आपको। देख सकते हैं आप बहुत सारी यहाँ लाइट्स लगाई गई हैं जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये लाइट्स देख सकते हैं किस प्रकार से, ये मतलब वाटर प्रूफ लाइट है कि मतलब पानी भी पड़े तो ये ख़राब आपका ना हो। और देखिए अभी आगे की लाइट नहीं जल रही है, देखिए जलती है या नहीं जलती है, अभी तो अंदर का ही वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अंदर ही मज़ा आ रहा है। देखिए ये आपका जब गर्भगृह अंदर साइड में जाएंगे तो यहाँ भी एक मंदिर है, और ये भी शायद महादेव का ही होगा क्योंकि नंदी जी महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये महादेव जी का मंदिर है, और यहाँ भी बहुत सारी लाइट्स लगाई गई हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है आपका। ये देखिए इन पत्थरों पे जिस प्रकार की कलाकृतियाँ की गई हैं वो बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही सुंदर है, और देख कर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे देखिए प्लेटों पे कुछ दर्शाया गया है, जैसे कि आपका यहाँ लिखा हुआ है वैद्यनाथ भवन भीमा शंकर अतिथि गृह शौचालय, मतलब टॉयलेट है। और देखिए यहाँ पे कुछ इंडिकेशन है, तो आप इंडिकेशन के थ्रू डायरेक्शन के थ्रू आप समझ सकते हैं चीज़ों को कि क्या क्या कैसे करना है। देखिए वहाँ पर मतलब हाथ धुलने और मुँह धुलने का आगे है, और मेंस और वुमेंस अंदर उधर साइड में जा सकते हैं, और चीज़ों को कैरी करके इधर ले जा सकते हैं, या फिर जो कुछ भी समझ लीजिएगा आप। और इधर थोड़ा आगे चलते हैं तो इधर भी हमारे प्रभु और आप सभी के प्रभु महादेव जी का मंदिर है, बट यहाँ देखिए जो लाइट्स लगाई गई हैं अभी इधर काम चल रहा है, कम्प्लीटली कम्प्लीट नहीं है। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत नीचे का दृश्य देख सकते हैं, नज़ारा देख सकते हैं, और यहीं से आपका नीलकंठ महादेव जी का मंदिर आगे साइड में है, ये आपको दिख रहा होगा इधर साइड में। तो अब आ गए हम नीलकंठ महादेव मंदिर साइड में, तो उधर का जो नज़ारा है रात का वो दिखाते हैं आपको क्या नज़ारा है और कैसा लग रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री अमृतेश्वर महादेव मंदिर, सॉरी ये आपका जो मंदिर है श्री अमृतेश्वर महादेव जी की मंदिर है। तो यहाँ अब देखिए किनारे किनारे स्टील्स तो लगाया गया था, टीन शेड भी ऊपर लगा दिया गया था, लेकिन यहाँ पे एक और काम हुआ है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, किनारे किनारे देखिए यहाँ पे पेंट भी हो गया है, तो ये एक और भी अच्छा लग रहा है। तो आइए निकलते हैं अब बाहर की तरफ। ये आप देख सकते हैं किनारे किनारे पूरा ये स्टील की
रेलिंग्स लगा दी गई हैं और ऊपर साइड में स्टील का आपका टीन शेड भी लगा दिया गया है। तो यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे और भारत माता की जो मूर्ति है उधर साइड में चलते हैं और जो वहाँ का नज़ारा है एक बार वहाँ का भी दृश्य आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इधर साइड में भी लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन जानते हैं जैसे बरसात वरसात होता है तो इस प्रकार के कीड़े मकोड़े बत्तियों पर लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए लग रहे हैं क्योंकि कल का यहाँ पर बारिश हुआ है और आज भी बारिश का मौसम लग रहा था लेकिन हुआ नहीं। देख सकते हैं क्या नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ लाइट्स नीचे हैं, इसके ऊपर मतलब स्टील की यहाँ पे रेलिंग्स थी उसके ऊपर रखी हुई हैं तो अंदर ये लाइट जल रहा है। ये देख सकते हैं पूरा यहाँ से नज़ारा, ये मंदिर का एकदम व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखिए भारत माता का मंदिर है जो कि मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ अभी। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत दिनों बाद आज शाम को यहाँ पे इलेक्ट्रिक सीढ़ी चालू हो गया है। आप देख रहे हैं ना ये इलेक्ट्रिक सीढ़ी चालू हो गया है, तो अभी इसी के द्वारा नीचे जाएंगे फिर ऊपर भी आएंगे। ये चल रहे हैं अब हम नीचे की तरफ। ये रात में चालू हो गया है, दिन में चालू नहीं रहता है, पता नहीं ऐसा क्या सिस्टम है कि रात को चालू नहीं रहता है। ये भैया लोग ये यहाँ वर्कर है, दिन में भी चालू रहता है। दिन में भी चालू रहता है। अच्छा, ये देखिए हमारे भैया लोग जवान देश के सबसे रियल हीरो इनको ही देखता हूँ तो ये हमारे रियल हीरो है। ये देखिए रात को जो है कि चालू हो गया है, ये अब दिन में भी चालू हो गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए मेन द्वार है, गेटवे ऑफ कॉरिडोर गंगा द्वार है, यही से लोग अंदर आते हैं। लेकिन अभी इधर लाइट नहीं जल रहा है और इसका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, बट इधर साइड में देख सकते हैं क्या नज़ारा है। किनारे किनारे पूरा इधर साइड में लाइट जल रहा है और किनारे किनारे में इधर लाइट जल रहा है और बीच में लाइट नहीं जल रहा है, जिसकी वजह से लुक बड़ा मस्त लग रहा है। अब जो ये सामने से इधर से आने के बाद इन सीढ़ियों पर जो लाइट है एक बार उधर दिखाता हूँ, उधर का दृश्य दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इधर साइड में ये जो लाइट है यहाँ पे लिखा हुआ है त्रियंबकेश्वर भवन है ये, मतलब इस वॉल पे लिखा गया है, इसका मतलब ये हो सकता है या फिर अगल बगल कोई ऐसा जगह होगा जहाँ पे होगा। तो आप देख पा रहे होंगे लाइट जो है कितना अच्छा लग रहा है जब रात के समय में जल रहा है। अभी मैं पूरा आपको कॉरिडोर का जो रात का जो दृश्य है लाइट के जलने के बाद जो नज़ारा है वो पूरा दिखाऊंगा। और इधर साइड में देख सकते हैं इसके पीछे ये जो वॉल आपको दिख रहा है उधर साइड में आपका हॉल है, तो हॉल के इधर पीछे साइड में ये जाली नुमा जो है कि कुछ इस प्रकार का बनाया गया है जो कि बड़ा ही मस्त लग रहा है। अभी देखिए आपको ये ऊपर साइड में ये आपको दिख रहा होगा, ये सब भी जलता है लेकिन आज नहीं जल रहा है, पता नहीं क्यों नहीं जल रहा है। जिस प्रकार से ये यहाँ पे एक लाइट जल रही है इसकी लंबाई 75 फीट है, मॉर्निंग में हमेशा मैं अपने वीडियो में बताता हूँ, तो ये एक इधर जल रहा है, इसी प्रकार से 5 बाहर लगाया गया है, तो आज उसी को शूट करने के लिए आया था लेकिन जल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो हम चल रहे हैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ और ये देखिए बालक है, कहाँ से आ रहे हो बालको? आश्रम से। कौन से आश्रम से? महाश्रय। तो अभी किस शिक्षा आप लोग शिक्षा ले रहे हो? किस चीज का? संस्कृत का? किस सब्जेक्ट का? संस्कृत। संस्कृत में क्या सब्जेक्ट है, मतलब किस टॉपिक पे जो है कि पढ़ रहे हो आप? क्या सीख रहे हो अभी? कुछ नहीं सीख रहे हो? रुद्री ये क्या होता है? अच्छा, और क्लास कौन सा आप लोगों का है? मतलब वही स्टडी तुम लोगों का है अभी। चलो अच्छा है बाबू, कहाँ जा रहे हो अभी आप लोग? आश्रम पे जा रहे हो? आश्रम पे जा रहे हो, जाओ आगे पढ़ो लिखो, खूब आगे बढ़ो, एंजॉय करो लाइफ में। अब देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कॉरिडोर, क्या नज़ारा है, एकदम मस्त लग रहा है, एकदम खूबसूरत है, एकदम चमक रहा है। और यहाँ पे देखिए शंकराचार्य चौक, कल्लिका अर्जुन भवन, व्यास भवन इधर से, मतलब ये दो चीज़ें कलिका अर्जुन भवन और व्यास भवन इधर साइड में है और शंकराचार्य चौक सीधे साइड में है। तो हम चलेंगे इधर साइड में और इधर का नज़ारा आपको रात का दिखाऊंगा,
क्या खूबसूरत नज़ारा और क्या लग रहा है। देखिए ये भारत माता मंदिर के जस्ट पीछे का सीन है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़ा ही मस्त लग रहा है और बड़ा ही खूबसूरत है। मैं जब इधर आता हूँ मॉर्निंग के टाइम में तो एक बाबा मुझे मिलते हैं, आप मेरी वीडियो में कई बार देखे भी होंगे उन बाबा को। तो जो इस मंदिर यहाँ पे गणेश जी की मंदिर है और ये सिद्धि विनायक जी गणेश जी की मूर्ति है और यहाँ पर त्रिशंधेश्वर महादेव जी की मंदिर है। यहाँ आपको टीन सेट दिख रहा होगा, तो देखिए यहाँ का मंदिर कब तक बनता है। बाबा भी थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि मेरी मंदिर बन जाए, मेरी मंदिर बन जाए, तो अच्छी बात है कि बन जाए और जल्द बनना भी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा ये अगर मंदिर बन जाएगा इस प्लेस पे तो बड़ा ही अच्छा होगा। तो अब देखिए हम जा रहे हैं पशुपतिनाथ जी महाराज का जो टेंपल है उधर साइड में जा रहे हैं और उधर का आपको नज़ारा दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे एक प्लांट सूख गया था तो उसको बाहर निकाल दिया गया है और यहाँ पे जो आपको सर्कुलर सा गोलाकार दिख रहा है और उसके अगल बगल में यहाँ पे भी देखिए लाइट्स है, तो सारी की सारी जब लाइट्स जलेंगी तो क्या नज़ारा होगा सोचिए खुद भी। अभी देखिए किनारे किनारे भवन पे जो लाइट्स हैं वो जल रही हैं, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है और जो व्यू है जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो मेरा मन था कि भाई किस दिन जाऊंगा, तो मेरे पास संडे का ही टाइम था क्योंकि शाम के टाइमिंग में पढ़ाता हूँ जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता और मॉर्निंग में खाली रहता हूँ तो मॉर्निंग में चला आता हूँ। हम आ गए हैं पशुपतिनाथ जी महाराज के टेम्पल के साइड में और पशुपतिनाथ जी महाराज के टेम्पल के जस्ट बगल से ही जब आप सीढ़ियों से ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पशुपति संकुल, ठीक है। और हमारे साथ हमारे दो भैया लोग हैं, राकेश भैया हैं और राजेश भैया हैं, दोनों ही बहुत ही हंसमुख चेहरा और बहुत ही प्यारे, बहुत ही स्वीट है महादेव। आपके सभी दर्शकों को और सभी सब्सक्राइबर व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद महादेव, हर हर महादेव। भाई ये चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ, भाई आज सोचे थे बारिश होगा लेकिन बारिश नहीं हुआ। और यहाँ से देख सकते हैं आप गेटवे ऑफ कॉरिडोर गंगा द्वार का जो नज़ारा है। अभी देखिए ये जो पांचों लाइट लगाई गई हैं तो हर दिन जल रहा था लेकिन आज मैं आया हूँ संडे के दिन तो आज ही के दिन नहीं जल रहा है, तो ये एक किस्मत बोलते हैं इसको किस्मत बोलते हैं। और यहाँ देख सकते हैं ये पशुपतिनाथ जी महाराज का टेम्पल है, ये रात का दृश्य आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा पोल लगाया गया, ये 5-6 लाइट है जो पूरा यहाँ पे एकदम चमचमा रहा ये दृश्य यहाँ का नज़ारा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा मित्रों जैसा भी लगेगा। देखिए अभी ये रेलिंग जो इधर की थी ये सारी तोड़ी गई हैं क्योंकि पुराना और जर्जर हो चुका था, देखिए कब तक इसको बदला जाता है और कब तक लगाया जाता है। और देखिए एक चीज़ यहाँ पढ़ लीजिए आप लोग, इस घाट पर पानी की गहराई अधिक है होने के कारण यहाँ स्नान करना सख्त मना है, तो यहाँ सामने स्नान मत कीजिएगा नहीं तो डूबने में देर नहीं होगा। आ गया हूँ दादा सुमेध घाट पे, तो वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए दादा सुमेध घाट पे कितना अधिक भीड़ लगा हुआ है और आज है संडे का दिन इसकी वजह से और भीड़ होगा। और ये देखिए क्या नज़ारा है, ये आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य, मतलब लग रहा है कि हाँ भाई ये गलौलिया मार्केट है, रात का दृश्य शाम का दृश्य। लोगों का भीड़ खवाखा भरा हुआ है एकदम। ये है गदौलिया मार्केट रात के समय का, 8 बज रहा है अभी, क्या नज़ारा है अद्भुत सुंदर लाजवाब। यहाँ जब भी आएंगे, सुबह आएंगे शाम में आएंगे जब भी आएंगे तो आपको हमेशा भीड़ मिलेगा। गदौलिया मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, ये छोटी मोटी मार्केट नहीं है और यहाँ पे खास तौर पर लेडीजों के लिए सामान मिलता है। देख रहे हैं क्या नज़ारा है, यहाँ लखनऊ चिकन घर। देखिए साड़ियों का खजाना,
दसवीं साड़ी घर। वो भी गजब के हैं यार भाई, तो चले जा रहे हैं खुशी होगी, किसी को आगे पीछे देख नहीं रहे हैं। मस्त लग रहा है एकदम, मार्केट चमक रहा है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ध्यान रखिए, जानवरों को प्यार कीजिए, सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए, और बस ध्यान रखें अपना। मिलते हैं अगले वीडियो में, हर हर महादेव।